दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान में तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। शपथ ग्रहण के मेहमानों की बात करें तो दूसरे राज्यों के किसी भी बड़े नेता को नहीं बुलाया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी को न्योता भेजा है। न्योता मिलने के बाद हर किसी की नजर इस बात पर थी कि पीएम मोदी समारोह में आएंगे या नहीं। दरअसल 16 फरवरी को होने वाले केजरीवाल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की उम्मीद बहुत कम है। सूत्रों के मुताबिक जिस दिन अरविंद केजरीवाल का शपथ ग्रहण होगा उस दिन पीएम मोदी दिल्ली में मौजूद नहीं रहेंगे। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी को पीएम मोदी का कार्यक्रम पहले से ही तय है, इसलिए केजरीवाल के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाएंगे। बता दें कि पीएम मोदी उस दिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। इस दिन यहां पर वो कई विकास के कार्यों का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चुनावों में जीत के लिए बधाई। मैं आशा करता हूं कि दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं को वो पूरी करेंगे। पीएम मोदी के ट्वीट के बाद अरविंद केजरीवाल ने उन्हें शुक्रिया कहा था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आपका शुक्रिया सर, मैं केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए इच्छुक हूं। हम दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की दिशा में काम करेंगे।